हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको अपने इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि सोलर सेल और सोलर प्लांट कैसे काम करता है। दोस्तों, क्योंकि सोलर सेल और सोलर प्लांट जो है डीसी पावर को जनरेट करता है और हम लोग घरों में यूज करते हैं वो एसी पावर आता है। तो दोस्तों देखेंगे कि डीसी से एसी पावर कैसे कन्वर्ट होता है और कैसे ये ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पूरे हमारे घरों तक एसी पावर आता है। दोस्तों, जनरली हम लोग सोलर सेल को दो टाइप के देखे होंगे, एक ब्लैक कलर में और एक ब्लू कलर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये भी देख लेंगे कि कितने टाइप का सोलर सेल होता है और साथ में देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे, मोदी जी तो हूं नहीं कि मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन की ज़रूरत पड़ती है और सिलिकॉन हमें मिलती है सिलिकॉन ऑक्साइड, जो ये रेती होती है, इस रेत से। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस रेत को इसमें कार्बन को मिक्स कर देते हैं और कार्बन को मिक्स करने के बाद से हम लोग 2000 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं भट्टी में। और भट्टी में हीट करने के बाद से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे सिलिकॉन मिल जाता है। देखिए, सिलिकॉन जब मिलता है तो ये एक होता है सेमी कंडक्टर। सिलिकॉन का जो ये एटोमिक नंबर होता है 14 होता है, ये एक सेमी कंडक्टर होता है। अब सेमी कंडक्टर होने की वजह से क्या होता है कि कुछ समय क्या करेगा, ऐसा कंडीशन बन जाएगा कि कभी कभी ये करेंट को फ्लो होने देता है और कभी कभी करेंट को फ्लो नहीं होने देगा इसमें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डोपिंग करते हैं। डोपिंग करना वो होता है कि मान लीजिए कि कोई लड़का है, कोई भी बंदा है, और ये जो है अपना डोपिंग मींस नहीं किया है, अपना नॉर्मल स्पीड में ये 15 किलोमीटर का रनिंग कर रहा है, ठीक है। और जब इसको डोपिंग कर देंगे, ये कैप्सूल कोई खिला देंगे इसको एनर्जी का, जैसे मैं आप जानते हैं, तो ये क्या करेगा, यही आदमी ये कितना 30 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए, ये सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन होता है। अब चार इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या होता है कि ये एक तरफ से तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। इसी कंडीशन में तो होता है कि करंट को कभी फ्लो होने देता है, कभी फ्लो नहीं होने देता है। तो हमें क्या करना होता है कि इसमें इस एल्युमिनियम को मिक्स करते हैं। तो एल्युमिनियम को जब मिक्स करते हैं, इसमें इसका बाहरी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। अब 3 होने की वजह से क्या होता है कि इसको चाहिए 8 चाहिए, और 3 हम जब देते हैं तो लगभग एक कम पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि 4 और 3 7 हो जाता है, यानी कि 7 होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन में। तब ये क्या हो जाएगा कि मतलब एक चार्ज दूसरा होने लगा, मतलब एक पोजीशन इसका चेंज हो गया कि अब क्या हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन मांगने लगेगा। तो ये क्या होता है कि पी टाइप का बन जाता है, ठीक है, इसको पी टाइप का हम लोग बोलते हैं जब हम लोग एल्युमिनियम को इसमें डोपिंग करते हैं। तो उसके बाद से हम लोग फास्फोरस को इसमें डोपिंग करते हैं, ठीक है। फास्फोरस को मिक्स करने के बाद से इसका इलेक्ट्रॉन जो बाहरी होता है ये 5 होता है और इसको चाहिए 4, ठीक है, यानी कि जब 5 देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का बढ़त हो जाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से अब ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देने लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब एल्युमिनियम को हम मिक्स कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब ये मांग रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और ये जब इसमें फास्फोरस को मिक्स करते हैं सिलिकॉन के साथ में तो उस समय क्या होता है कि इसको देना रहता है, फास्फोरस कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो ये क्या हो जाता है हमारा एन टाइप का बन जाता है, ठीक है। मतलब दो मिक्स किए, अगर एल्युमिनियम मिक्स करेंगे तो पी टाइप का हो जाएगा हमारा, और जब यहाँ पे अगर फास्फोरस को मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइप का हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब दोनों को मिक्स कर लेते हैं हम लोग तो ये क्या होता है कि हम लोग दोनों को मिक्स करने के बाद से एक ज्वाइंट करते हैं इसका, ठीक है। अब ये पी टाइप का है, यानी कि इसमें क्या हम लोग किए हैं, एल्युमिनियम को मिक्स किए हैं, मतलब डोपिंग किए हैं, और इसमें क्या किए हैं, फास्फोरस का हम लोग डोपिंग किए हैं। तब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब हम दोनों को ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्वाइंट करने के बाद से तुरंत क्या हो जाएगा कि देखिए, एक तो इलेक्ट्रॉन देना है, एल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये क्या होता है कि ज्वाइंट करते ही अपना जो भी इलेक्ट्रॉन देना लेना करना है ये यहाँ पे एक बन जाता है, यानी कि इसमें भीड़ तो ज़्यादा इकट्ठा करने, मिक्स करने के बाद से क्या होता है कि एक दूसरे को अपना कोई भी, जब भी जिसकी कमी होती है उस चीज़ों को पूरा करने के लिए लोग आ जाते हैं। तो इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं कि डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डिप्लेशन रीजन इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ना ही अब यहाँ से इधर आ सकता है कोई, मतलब ये, और ना ही यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच जाने की वजह से अब क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे होते हैं,
ये सोलर सेल का ही है, ठीक है, ये सोलर सेल ही है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट दे देंगे, सिर्फ हीट। तो इस समय में क्या होगा ना कि इसका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकलने लगेगा, और बाहर निकलने के बाद से ये क्या होगा, कहीं जाना चाहेगा। तो अगर हम वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जाके कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव साइड का हो जाएगा और ये पॉजिटिव साइड का हो जाएगा, पी टाइप का और एन टाइप का। यानी कि हम सोलर सेल को कनेक्ट जब करते हैं तो ऐसे बन जाता है कंडीशन का, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सोलर सेल तो आपको ऐसे दिखता है, ठीक है, इस टाइप का आपको दिखता है, पर इसमें के क्या होता है, परत होता है, ये पीएन जंक्शन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन पूरे चीज़ों को बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी है और एन है। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए, हम लोगों को सिर्फ हीट जो देना है यहाँ पे, हीट तो हमें सिर्फ एन टाइप वाला पे देना है, जहाँ पे हम फॉस्फोरस मिक्स किए हैं वहाँ पे सिर्फ हमको हीट देना है, और हमें पॉजिटिव साइड पे तो देना नहीं है, पी टाइप वाला जो अल्मोनियम मिक्स किए हैं उस पर हीट देना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि पी टाइप का जो होता है नीचे रख लेते हैं, और जो एन होता है उसको हम लोग ऊपर रख लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी सनलाइट होता है हमारा, ये सनलाइट देख रहे हैं कि आप आ रहा है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद से जो सारा हीट जो पड़ता है ये हमारा निगेटिव एन टाइप का जो रहता है इस पर पड़ता है, ठीक है। अब एन टाइप का पड़ता है तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे कि सारा हीट होने का अब्जॉर्व होने के वजह से इसमें का इलेक्ट्रॉन जो होता है बहने लगते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और यहाँ के साथ में हम लोग लोड को कनेक्ट कर देते हैं। अब लोड बल्ब हो गया, या आप घर में जाके जहाँ पे भी कनेक्ट करना चाहते हैं उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका देखिए, जो पी टाइप का होता है उसकी परत मोटी होती है, जो ये सेल होता है, एक सेल, एक तो ऑलरेडी बहुत ही पतला होता है, आप देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि ये पी टाइप का जो होता है इसकी परत जो होती है मोटी होती है, और एन टाइप के जो परत होता है वो पतला होता है, ठीक है। और जो डॉपिंग सबसे ज़्यादा किया जा रहता है वो एन टाइप में ही किया जाता है। एन टाइप मतलब क्या है, फॉस्फोरस की डॉपिंग हम लोग सिलिकॉन में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेंगे कि जो हमारे पास रहता है सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, सोलर पैनल जो आप देखते हैं उसमें क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, आपको देखने को कई परत में मिलता है, जो यहाँ पे हम आपको दिखाए हुए हैं। देखिए तो ऊपर की तरफ से जो रहता है ये क्या हो गया, एक तो फ्रेम हो गया, उसके बाद से ये रहता है टेम्पर ग्लास। अब देखिए टेम्पर ग्लास का इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो भी सनलाइट आता है इसमें, ठीक है, ये सनलाइट जो इस पर आ रहा है तो ये क्या करता है कि सारा सनलाइट को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने में 0.5 या 5% ही जो होता है ये सनलाइट जो रिटर्न जाने देता है, नहीं तो उस क्या करता है सारा सनलाइट को ऑब्जर्व अपने अंडर कर लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये एक यूनिट है, ये क्या करता है यहाँ पे, ये वाला प्लेट ये क्या करता है कि यहाँ पे मॉइस्चराइजेशन नहीं होने देता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये सोलर सेल होता है, और सेम यहाँ पे भी है जो यहाँ पे प्लेट लगा, नीचे में बैक लगाने के बाद से इसको हम लोग फिटिंग कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा क्या होता है कि कोई भी यहाँ पे फिटिंग करने के बाद से आपको पूरे अच्छे तरीके से ये दिखने लगता है इस टाइप के, ठीक है। अब देखें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक सेल है, ठीक है, जो एक सेल की जो वोल्टेज है 0.5 है, ठीक है। तो ये 0.5 वोल्ट में तो हमें कुछ होने वाला है नहीं, हमसे हमको तो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल में 72 दिया हुआ है, तो 72 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 36 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं कि ऐसे सेल जो है, ऐसे सेल को हम बहुत सारा कनेक्ट कर देते हैं और एक मॉड्यूल को बना लेते हैं, और मॉड्यूल को बना लेंगे तब हमें वोल्टेज का यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। अब देखिए जो मॉड्यूल है यहाँ पे आ जाता है पैनल के पास, जो हम लोग एक अगर लेंगे तो ये क्या होता है, मॉड्यूल होता है। अगर हम लोग ऐसे ही बहुत सारा ले लेंगे तो पैनल हो जाएगा, और ऐसे ही पैनल का जो होता है अगर इस पे लगा देंगे तो ये एरे हो जाता है। जैसे में आप देखेंगे एक है, दो है, तीन है, चार है, चार हम लोग पैनल को कनेक्ट किए हैं तब जाके एक एरे हमारा बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पे तीन मॉड्यूल को हम लोग लगाए हैं तब जाके एक पैनल बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो देखिए हमारा जनरली तीन टाइप का यहाँ पे सोलर सेल, सोलर पैनल होता है, ठीक है। ब्लैक कलर का जो होता है उसको मोनोक्रिस्टल लाइन बोलते हैं, और जो ब्लू कलर का होता है वो पॉलीक्रिस्टल लाइन होता है, और जो एकदम पतला सा होता है उसको हम लोग थिन फिल्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर का है ये सबसे ज़्यादा हम लोग अच्छे जगह पे ज़्यादा हैवी लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, वो ब्लैक वाला यूज करते हैं, वो ज़्यादा धूप होता है वहाँ पे हम लोग पॉली क्रिस्टल ये ब्लू वाला का यूज़ करते हैं, मतलब समझे है? तो अगर आपको यहाँ पे यूज करना है ब्लैक वाले को यूज करना है वहाँ पे कि जहाँ पे बिल्कुल भी धूप कम हो, जैसे उत्तराखंड साइड में ये सब में धूप बहुत कम होता है, तो उस समय हम लोग ब्लैक वाले को यूज करते हैं, और जहाँ पे राजस्थान हो गया चाहे कहीं और हो गया, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉली क्रिस्टल को हम लोग यूज करते हैं, और थिन को हम लोग बहुत ही कम करते हैं यूज, ये ना के बराबर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में से अगर बेस्ट को हमको देखा जाए कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, तो हमको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होता है वो मोनोक्रिस्टल लाइन जो होता है ये
सही होता है। अब इसलिए सही होता है ये क्योंकि ये कम धूप रहता है उस समय भी पूरे अच्छे तरीके से हम लोगों को पावर सप्लाई कर देता है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो भी प्रोजेक्ट होता है और ज़्यादा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग ब्लैक वाले को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो और जो वहाँ पे कम होता है घरों में यूज करते हैं सस्ता पड़ता है, जिसके वजह से हम लोग ब्लू वाले लोग यूज करते हैं, और जो ब्लैक वाला है ये महंगा पड़ता है। और आप गवर्नमेंट यूज कर रहा है या आपको ज़्यादा टर्म के लिए दिनों के लिए यूज करना है तो आप इसको ब्लैक वाले को यूज कर सकते हैं। अगर आपको गाँव में चाहे आप घर पर जो धूप बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके एरिया में तो आप ब्लू वाले को भी यूज कर सकते हैं। अगर देखेंगे कि इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं सोलर पैनल्स का, तो क्या होता है जहाँ पे सोलर पावर प्लांट होता है वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारा ऐसा पैनल लगा हुआ था। मैं आपको सिर्फ एक पे ही बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है कि सनलाइट यहाँ से आता है और सनलाइट आने के बाद से क्या होता है पैनल हमारा क्या होता है डीसी देता है, ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब ये डायरेक्ट करंट कहाँ चला जाता है, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा रहता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है कि हमारा डीसी जो भी रहता है उसको क्या कर देता है एसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो और एसी में यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद से अगर आपको वहीं पे मतलब जहाँ पे आपका प्लांट है वहीं पे अगर एसी डीसी से एसी में कन्वर्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आपको अपने घर में ऑफिस में जो भी है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या कर सकते हैं आप इस एसी करंट को क्या करेंगे कि यहाँ पे आप सप्लाई कर देंगे ग्रिड पे, ठीक है। और ग्रिड पे जाने के बाद से जहाँ पे भी ट्रांसमिट करना होता है डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो पावर ग्रिड सप्लाई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर ये चीज़ हम अगर घर में देखते हैं यूज करते हैं तो क्या होता है कि सनलाइट आता है हमारे पैनल के ऊपर और यहाँ से हमारा डीसी करंट जो भी होता है तो क्या होता है कि हम यहाँ पे एक चार्जर लगा रहते हैं, ठीक है। चार्जर कंट्रोल होता है वो क्या करता है कि यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट होता है। हम देखते हैं कि घर में बैटरी को यूज करते हैं जबकि आपको प्लांट में यूज करना होगा तो बैटरी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा इन्वर्टर मिलेगा, इन्वर्टर से ही डीसी से डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि बहुत सारा आपको पैनल यहाँ पे लगा हुआ रहता है इंडस्ट्री के अंदर, इसलिए पैनल नहीं लगाते डायरेक्ट डीसी से क्या करते हैं हम लोग एसी में कन्वर्ट कर देते हैं। और वही घर में होता है तो हम बैटरी लगाए रहते हैं तो यहाँ से आने के बाद से बैटरी को देखिए बैटरी में आ जाता है। बैटरी को आप अगर आपको डीसी यूज करना है ये डीसी यूज करना है तो आप डायरेक्ट बैटरी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको एसी यूज करना है मतलब एसी सप्लाई को तो उस समय क्या करना होगा कि आपको इन्वर्टर एक लगा रहता है इन्वर्टर और इस इन्वर्टर से एस क्या करता है ये डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देगा तो आप एसी पावर को यहाँ पर सप्लाई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि कोची एयरपोर्ट जो है वहाँ पे पूरा सोलर पैनल ही लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखेंगे यहाँ के पार्किंग जितना भी है यहाँ पे आप जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब सोलर पैनल ही लगा हुआ है। कोची एयरपोर्ट ऐसा है कि जहाँ पे आपको सभी पावर का यूज जितना भी कर रहा है वो सोलर पैनल के थ्रू ही यूज कर रहा है। तो कोची जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये फर्स्ट है जो कि पूरा रिन्यूएबल एनर्जी पे अपना पावर को यूज कर रहा है। दूसरे नंबर पर आप कोलकाता भी करने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट अभी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।